तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब मैं तो गदर 2 के आंकड़े को देखते रह जा रहा हूँ। कल शाम तक इतने थे और आज सुबह तक सारा एडवांस विंग कलेक्शन, सीट बुकिंग सब कुछ बदल गया। मतलब पूरी रात घंटों घंटों में रिजल्ट बदला है। एक बार के लिए तो मुझे खुद पे डाउट होने लगा कि यार कल मैंने इतने इतने आंकड़े बताए थे और अभी सब कुछ चेंज। लोग ये ना सोचे कि फेक न्यूज़ देता है। तो ये दोस्तों ये जनता का प्यार है, ये जनता का इमोशन है जो अपनी फेवरेट फिल्म और एक्टर के लिए भर भर कर निकल रहा है। इसी के साथ दोस्तों OMG 2 ने भी स्लो ही सही लेकिन आज सुबह तक अच्छा रिस्पांस अपने खाते में रखते नजर आ रही है। सब जानेंगे बस कुछ ही देर में किसकी कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कौन कितनी कमाई करेगा अपने पहले दिन यानी आज को। तो वीडियो को अंत तक जरूर जुड़े रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे OMG 2 के बारे में। तो यस, मूवी को अमित राय के डायरेक्शन में मात्र 150 करोड़ के बजट पर बनाया गया है, जिसके मेन लीड में आपको पंकज त्रिपाठी और अक्षय पाजी देखने को मिलेंगे। जहां दोस्तों मूवी सोशल कॉमेडी ड्रामा पर बेस है। इसी के साथ दोस्तों जनता को ट्रेलर काफी पसंद आया था। बात करें एडवांस बुकिंग की, तो यस अक्षय पाजी की फिल्मों को जैसा रिस्पांस मिलता है, जैसा एडवांस में ही भर भर कर कमाई ये फिल्में करती हैं, वो चीज इस बार मिस हो रही है। क्योंकि एक सॉलिड कॉम्पिटिटर का सामने बैठे रहना भी काफी फर्क डाल रहा है मूवी की ग्रोथ में। लेकिन फिर भी जैसे तैसे 114,000 टिकट बेच चुकी है आज सुबह तक रिलीज होने से पहले। बात करें कितने सोज अभी तक मिले हैं मूवी को अपने पहले दिन में, तो यस 2700 सोज मिल चुके हैं मूवी को। बात करें नेशनल चेन्स यानी ऑनलाइन में कितनी सीट बुकिंग करी है, यस दोस्तों पूरे 72,000 टिकट सिर्फ PVR, INX और सिनेपोलिस को मिलाकर बेचा है। बात करें सिर्फ एडवांस से कितना कलेक्शन किया है, यहां दोस्तों लगभग 3,30,00,000 का कलेक्शन सिर्फ एडवांस बुकिंग से कर लिया है। तो आज की बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन करें अगर OMG 2 की कितना कमा सकती है, तो यस एवरेज ओपनिंग लेते नजर आएगी, डबल डिजिट का आंकड़ा अपने नाम करेगी, कम से कम 10 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 12 करोड़ तक ये अपने खाते में रख सकती है आंकड़ा एंड ऑफ द डे तक। बाकी मूवी रिव्यू आपको कुछ ही घंटों में मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं तूफान की। हाँ जी, मैं तूफान ही कहूंगा द मॉन्स्टर गदर 2। इसने तो बॉलीवुड इतिहास में जो हिस्ट्री क्रिएट करी है आफ्टर पठान, भाई मान गए ऐसा लग रहा है ये वही दौर आ गया है जब 2001 में सेम ऐसी खलबली मची थी मूवी देखने के लिए। थिएटर के बाहर लोग लंबी लंबी लाइनें, लोग मूवी देखने के लिए 4-4 घंटे पहले जाते थे ताकि सीट मिल जाए। भाई अमेजिंग, मजा आ गया। इसी कहते हैं क्रेज, इसे कहते हैं वो स्ट्रांग लव बॉन्ड एंड इमोशन। वाकई में दोस्तों गदर मूवी नहीं है, इमोशन है। बात कर एडवांस बुकिंग की करें, तो दोस्तों एडवांस बुकिंग में ऐसी सुनामी आ जाएगी किसी ने ना सोचा था। जी दोस्तों अभी तक गदर 2 को पूरे 5,000 सोज मिल चुके हैं। बात करें कितने टिकट बेच चुकी है, तो सबसे पहले नेशनल चेन्स की बात करेंगे ऑनलाइन बुकिंग की। PVR में 1,16,000 टिकट बेच चुकी है, INX में 1,01,000 टिकट बेच चुकी है, सिनेपोलिस में 57,000 टिकट बेच चुकी है और टोटल बनते हैं तीनों को मिलाकर 2,75,000 टिकट गदर 2 सिर्फ ऑनलाइन में बेच चुकी है। मैंने कहा था ना कल रात वाली वीडियो में कि सुबह तक यह आंकड़ा 2,50,000 से ऊपर होगा, क्योंकि कल तक तीनों को मिलाकर 1,95,000 टिकट ये बेच चुकी थी कल शाम तक। तो भाई साहब इसे कहते हैं जनता का प्यार, एडवांस बुकिंग कलेक्शन में जो रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया है, अनबिलीवेबल नंबर। अब बात करते हैं सिर्फ एडवांस से कितना कमा चुकी ये फिल्म अभी तक। भाई अनएक्सपेक्टेड नंबर कलेक्ट किए हैं। मैंने कल रात बोला था ना कि सुबह होते होते ये आंकड़ा 15 से 17 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। जी हां दोस्तों गदर 2 सिर्फ एडवांस से आज सुबह तक 17,60,00,000 का कलेक्शन कर चुकी है। भाई मजा आ गया। OMG 2 के सामने होने के बाद भी और रजनी सर की जेलर मूवी होने के बाद भी एक तरफा कलेक्शन। भाई साहब बॉलीवुड में यहाँ 17 करोड़ की पहले दिन की ओपनिंग नहीं ले पाती है बाकी की फिल्में, और गदर 2 ने सिर्फ एडवांस से 17,60,00,000 का कलेक्शन कर लिया है। सैल्यूट है यार। और मैं आपको बता दूं तो टोटल अभी तक 7,22,000 टिकट गदर 2 बेच चुकी है, सब ऑनलाइन ऑफलाइन को मिलाकर, वो भी एवरेज प्राइस 214 रुपए के साथ। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मूवी आज कितनी बड़ी ओपनिंग ले सकती है। मैं अगर अपने अनुमान से बताऊं, जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग में ग्रोथ देखने को मिल रही है, कम से कम 40 करोड़ का आंकड़ा ये अपने खाते में रख लेगी। अभी के लिए छोटा ही आंकड़ा लेते हैं, वरना मूवी का पोटेंशियल तो 50 करोड़ टच करने का भी लग रहा है अपने पहले दिन में यानी आज। तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस में सुनामी आ जाएगी गारंटीड। तो दिल थाम के बैठ जाओ और हिस्ट्री क्रिएट होने का इंतजार करो। और कुछ ही देर में मिलते हैं पहले गदर 2 के रिव्यू के साथ और फिर OMG 2 के रिव्यू के साथ। तो दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है गदर 2 अपने पहले दिन में 50 करोड़ की बिग ओपनिंग ले पाएगी या नहीं? दूसरा, क्या गदर 2 के सामने OMG 2 टिक भी पाएगी या नहीं? तीसरा, आप सबसे पहले कौन सी फिल्म देखने जाएंगे, गदर 2 या फिर OMG 2? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।